हमारी चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विशेष चैनल में आपका स्वागत है। हम हाजिर है फिर एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम हड्डजोड़ की पहचान करेंगे और इसके फायदे के बारे में बताएंगे। हड्डजोड़ एक लता होती है। इसका तना या डंडी उंगले के समान मोटी होती है। इसके हर 4 से 6 इंच पर एक गांठ के रूप में जोड़ होता है। ये तना मजबूत नहीं होता, अक्सर टूट जाता है। यह बेल टूटी हुई हड्डी को आसानी से जोड़ने वाली होने के कारण संस्कृत में इसे अस्थि संधानकारी नाम दिया है। इसका संस्कृत नाम अस्थि संधानक और अस्थि श्रृंखला है। इसका हिंदी नाम हड्डजोड़, गुजराती में हाट सांकड़ी और मराठी में त्रिधारी कांडबेल से पहचानते हैं। सिसेस कॉन्ट्रेंगुलरी इसका लैटिन नाम है। हड्डजोड़ का स्वाद कच्ची अरबी या कटहल जैसा तेज होता है। आयुर्वेद के अनुसार इसके गुणधर्म की हम बात करें तो हड्डजोड़ गर्म प्रकृति की होती है। यह पाचन शक्ति को बढ़ाती है। यह हल्की रुखी और वीर्य को बढ़ाती है। यह लघु सारक वात पित्त और कृमिनाशक होती है। यह अर्श और बवासीर को मिटाती है और अग्निदीपक होती है। यह रक्त शोधक होती है और चर्म विकारों का नाश करती है। अगर हड्डी पर चोट आ जाए, मोच आ जाए या सूजन आ जाए तो हड्डजोड़ के पत्तों का रस या इसके तने का रस निकालकर इसका लेप बनाकर लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसके 3 ग्राम चूर्ण को घी के साथ दिन में 2 बार सेवन करना चाहिए। अगर हड्डी टूट गई हो या क्रैक आ गया हो तो इसके लिए टूटी हुई हड्डी को अच्छी तरह से सेट करके इस बेल को अच्छी तरह से कुटकर इसका मलम जैसा बनाकर लगा देना चाहिए। फिर अच्छी तरह से कपड़ा बांध ले। इसके बाद लगभग 1 गिलास दूध में हल्दी और काली मिर्ची मिला के लगभग 1 से 1.5 इंच हड्डजोड़ के तने का रस निकाल कर 10 बूंद की मात्रा में दूध के साथ मिलाकर पिलाना चाहिए। यह प्रयोग कुछ दिनों तक करने से टूटी हुई हड्डी शीघ्र जुट जाती है। दोस्तों, ये अर्थराइटिस में भी बहुत लाभकारी है। इसके लिए इसके तने का रस निकाल कर थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और तिल का तेल या सरसों का तेल मिलाकर थोड़ा गर्म करें। फिर एक पोटली जैसे कपड़े पर इसके रस को लगाकर दर्द वाली जगह पर इसकी सिकाई करें। ऐसा करने से हड्डी का दर्द, कमर दर्द और जोड़ों का दर्द मिटता है। हड्डजोड़ को कभी कच्चा नहीं खाना चाहिए। इसे उबालकर या घी के साथ तलकर ही खाना चाहिए। इसका आंतरिक सेवन अर्थराइटिस, उच्च रक्तचाप और मोटापा कम करता है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।